काउंटिंग सब बराबर है ना? सही है। मिस्टर इधर आइए। सर तुम्हारा सच्चिदानंद जीत गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। क्या है? सुनो जरा ठुमका लगाना।
गुरु दीन दयालो करुणारस वरुणालय करिराज कृपालो अधुना खलु विधि नामय सुधिया सुर परितम मधुसूदन हर मामक दुरितम शरणं भव करुणामय गुरु दीन दयालो घृणिमंडल मणिकुंडल फणिमंडल शयना अणिमादि सुगुण भूषण मणि मंडप सदना विलता सुत गण वाहन मुनि मानस भवना मधुसूदन मधुसूदन हर मामक दुरितम शरणं भव करुणामयि कुरु दीन दयालो आहा, इस भजन को सुनने के बाद दुनिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहीं आरती को मेरी नजर न लग जाए। पहले इसकी नजर उतारो, इसे पढ़ा रहे हो कि नहीं? इससे शादी करने वाले की यही इच्छा है कि ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखे। ये सच कह रहे हैं जी? पुरोहित जी, चारों वेद, सारे उपनिषद और शास्त्र पढ़कर भी मैं क्या कर रहा हूँ? इसीलिए कम से कम वो तो चार अक्षर सीखकर दुनिया के बारे में कुछ जान ले। सच में तुम्हारा जैसा पति मिलना इनके लिए किस्मत की बात है। ए, और कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? जल्दी जल्दी करो। हाँ आई बेटी। पापा पापा, चाचा अभी भी सोए हुए हैं। अरे वो फालतू है ना, सोने दो उसे। अरे बाप रे बाप, आप दोनों बाप बेटे मिल जाते हैं और ऐसी बातें करने लगते हैं। और आप जैसे ही सुबह होती है पेपर पकड़ के बैठ जाते हैं और एक बजते ही कौवे की तरह काँव काँव करने लगते हैं। जरा सोचिए, ये सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। हाँ, मालिक की अभी तक सुबह नहीं हुई है क्या? ए जी, वो आ रहा है। जो भी कहना हो खाने के बाद कहिएगा। बैठो। मजा मजा मजा, खाने में मजा आएगा, भाभी के हाथ के खाने में मजा आएगा, आएगा आएगा, खाने में मजा आएगा। लक्ष्मी, गांव की लक्ष्मी, तू मुझे बहुत मिली भाग्य से, ला 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 ला, मुझे भाग्य से भाग्य से। हटो गुंडे कहीं के। ए, क्या गुंडा लगा रखा है? कहाँ से सीखती है ऐसी बातें? उस पर क्यों चिल्ला रही हो? गुंडे को गुंडे ही कहते हैं। ऐसे क्या गुंडागर्दी की मैंने? ए, तेरे अंदर कोई गुस्सा है तो उन लोगों को दिखा। कल इतना कुछ हुआ, इसे जरा सा भी एहसास नहीं है। उसने क्या किया जानते भी हैं आप? अगर वो गलत है तो तू उसको मुंह क्यों लगाता है? ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा होता है। मैं आपके जैसा नहीं हूँ कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा सामने कर दो, समझे? सुन रही हो ना? ठीक है ठीक है, पहले खाना खा लीजिए। सच्ची, ये तो सही कह रहे हैं ना, अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ बिना कॉलेज इलेक्शन में ये सब मामूली बात है। उस बात से डर कर मुझे बदनाम थोड़ी होना है। ओ, बदनाम को बदनामी बोलते हैं। बदनामी के नाम पर सबके सामने तुम मेरी इज्जत उतार रहे हो। सच्चिदानंद कितना ढूंढ करके एक अच्छा सा नाम रखा है। कहते हैं ना कि बंदर को खुला छोड़ दिया तो वो सारा खेल खराब कर देगा। ये भी बंदरों के ही जैसा है। परोसो परोसो, खाने दो पेट भर के, ताकत चाहिए ना तीन चार लोगों को मारने के लिए। गधा कहीं का। सची, ए सची, रुक जाओ सची। तुम्हारा पति बैठा है ना, उसे ही खिलाओ, मैं बाद में आऊंगा। चल जा। सुबह सुबह गांजा पीना शुरू कर दिया। स्वामी। रुक जाए हम, बोलो सुबह शाम,
हरे कृष्ण हरे राम। कौन है ये? यही है स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट, एक नंबर का गुंडा है। इधर आ। सीनियर को देखकर विश करते हैं, पता नहीं है क्या? हाँ, विश कर। गुड मॉर्निंग। जैसे एक पुलिस वाला करता है वैसे विश कर। गुड मॉर्निंग। आज के बाद इसी तरह से विश करके जाना है, समझ गए ना? वो बुकला। क्या ये? मोर का पंख है। वो तो पता है, बुक में क्यों रखा है? ये रखना शुभ होता है इसीलिए। ये क्या, अंडा देगी? इसे किताब में रखने से अच्छी पढ़ाई होती है ऐसा कहते हैं। वो बॉक्स लो। ये क्या है, रोटी भाजी नहीं है क्या? देखने से ही पता चलता है। अम्बु चिकुम बम्बु चिकुम बम्बु चिकुम बम बम्बो। पंडित हो? भाई मुझे भी खिलाना। नाम क्या है? अभिष्टा शोभिता प्रसन्नाक्षी। पर वो क्या है? नाम है मेरा। वो तो पता है, मतलब क्या होता है उसका? पता नहीं। किसने रखा था नाम? माँ ने। कल आओगी ना तो अपनी माँ से इसका अर्थ समझ के आना। हा? मेरी माँ नहीं रही। ओह, माँ मर गई है क्या? तुम्हारे पापा हैं या वो भी निकल लिए? वो है। ठीक है, उनसे पूछ के आना। बोल रही थी मोर का पंख रखना शुभ होता है। पापा, मेरा नाम अभिष्टा शोभिता प्रसन्नाक्षी क्यों रखा गया? वो तुम्हारी बड़ी दादी का नाम है बेटी। अच्छा, फिर ठीक किया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अभी क्यों पूछ रहे हो बेटी? कॉलेज में सब लोग मेरे नाम का मतलब पूछते रहते हैं। हाँ, देता हूँ देता हूँ। कॉफी लीजिए। पहले उस बेकार को जगा दो। आज तो संडे है ना, सोने दीजिए। हाँ, आज उसका जन्मदिन भी है। अरे मेरे पति को याद है? यही बात जरा मुस्कुरा के बोलिए। हाँ बोल दूंगा। कितने भाई? हमारे भाई से कोई पैसे नहीं लेता, आप जा सकते हैं सर। जाइए ना सर। नमस्कार किच्चा। मैम,
दो कमीनों ने नमस्कार क्या कर दिया, इसके तेवर तो आसमानी छूने लग गए। एक कहावत तो सुनी है ना? कौन सी कहावत? काशी जाएंगे तो पाप नहीं धुलता है, ऐसा ही। इसीलिए कहा था नहीं आऊंगा, लोग मुझे इज्जत देते हैं तो इन्हें जलन होती है। हाँ बाबा, तू बहुत बड़ा महाराजा है। अरे बाप रे, कम से कम आज तो आप चुप रहिए, आज इसका जन्मदिन है, आप फालतू में चिल्ला रहे हैं। तुम चलो बेटा, चलो। सुना क्या बेटी, चल। श्रीकंठेश्वर स्वामी देवधा प्रीत्यर्थं कर्पूर मंगल नीराजनं धरशयामि नीरांजन मध्ये आचमनं समर्पयामि। किसके नाम से अर्चना करनी है? किच्छा सच्चिदानंद ज्येष्ठ नक्षत्र शांडिल्य गोत्र सच्चिदानंद नामदीयस्य ज्येष्ठ नक्षत्रे वृश्चिक राशो जातस्य शिवाष्टोत्तर नाम पुष्प पूजां करिष्ये। शिवाय नमः। शिवाष्टोत्तर नाम पुष्प पूजां। वही है तुम्हारे पापा? लगते तो किसी एंगल से नहीं है, तुम्हारे उनके चेहरे में कोई मेल ही नहीं है। खैर जाने दो, अपने नाम का मतलब पूछा गया। क्या होता है? हिंदी में बताऊं या फिर संस्कृत में बताऊं? वो तो ठीक है, हिंदी में बता दो। अपने घर में या ससुराल में वो लड़की अच्छे से रहेगी, अपने होने वाले पति का बहुत प्यार से देखभाल करेगी। अगर अपनी आंखें बंद करके वरुण देव से विनती कर लेना तो झमझम करके बारिश होने लगेगी। और अगर आप भूल गई मैं, हाँ अगर गुस्से से वो किसी की तरफ देख लेना तो वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नाम रखा है। वो बीच वाला जो नाम था उसके बारे में क्या बोला तुमने? कौन सा बीच वाला नाम? अरे वही, वो रहने वाला घर, जाने वाला घर। हाँ, अपने घर का मतलब अपनी माँ का घर और ससुराल का मतलब पति। पति का घर होता है। ये क्या? चकली है, चावल से बनाई है। अच्छा है, कहाँ से खरीदी? दुकान से नहीं खरीदी, मैंने खुद बनाई है। दो और दो। एक बात पूछूं मैं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? वो ना सच्चिदानंद कितना अच्छा नाम रखा गया है आपका, लेकिन सब लोग आपको किच्चा किच्चा कहकर क्यों बुलाते हैं? उसका क्या मतलब होता है? अरे सुनना भाई, मुझे तो लगता है किसी जानवर का नाम होगा। सॉरी ब्रो, फिक्र मत करो, आंटी से पूछ के बताता हूँ। आंटी जी, क्या है? मैडम, किच्चा का मतलब क्या होता है? किच्चा का मतलब किच्चा? ये नाम ही कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ सर, मुझे भी वही डाउट है। स्वामी। क्या स्वामी? मुझे एक डाउट है, हिस्ट्री में ऐसा है कि... देखो मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है, पहले वो क्लियर करने दो, और वो ये कि किच्चा का मतलब क्या होता है? शायद वो होता है जिसका दिमाग नहीं होता। नो, डोंट बी सिली, इट सीम्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो डिक्शनरी खोल कर देखते हैं, मतलब मिल ही जाएगा। आपके पास डिक्शनरी होगी क्या? किच्चा के नाम का मतलब जानना है? जी हाँ सर, सामने है। मिल गया, किच्चा का मतलब कृष्णा है, कृष्णा ही किच्चा है, श्री कृष्ण परमात्मा। आ हा हा, धन्योस्मि। ला 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 ला। ए किच्चा। ए, मतलब जाने बिना किच्चा किच्चा बोला ना तो एक दूंगा जोर से, चल भाग। उसका मतलब जानकर क्या करना है यार? जानना है। मैं तो चाय बनाने वाला हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं तो किच्चा का मतलब बता ही नहीं सकता, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, पर मैं उसका मतलब जानता हूँ। किच्चा का मतलब है आग। ए, वो किच्चू होता है। दीदी अकेली आई हो क्या? जीजू और छोटू कहाँ हैं? चार हजार पांच हजार मांगने वाला
अभी सीधा 40,000 मांग रहा है। तेरा पिता कोई कलेक्टर या मिनिस्टर नहीं है बेटी, बल्कि एक साधारण मंदिर का पुजारी है। वो मुझे पता है पिताजी। जान कर भी मेरी जान लेने आई हो? जो देना था वो दे दिया, बेचारे मासूम बच्चे को छीन कर अपनी बीवी को घर में ना रखकर रास्ते पर छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पिताजी, इसलिए मैंने भी एक फैसला किया है। ऐसे घटिया इंसान के साथ घर बसाने से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करके पुण्य कमा लूं। कैसे भी पैसों का इंतजाम करके उसके मुंह पर मार के कैसे भी करके मेरे बच्चे को ले आइए। कौन देगा तुम्हें उतने पैसे? किसी से भी मांग लूंगी। इंसान ही इंसान की मदद करता है ना। हाँ, जैसे ही तुम मांगोगी वैसे ही वो दे देगा। सब मेरे कर्म है। कुछ नहीं भाभी, आप जाकर सो जाइए। चिचा, कल एग्जाम है यार, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसके पास दिमाग होता है वही समझता है। किच्चा सर, आपसे मिलने के लिए दो लड़कियां आई हैं, जरा इधर आइए। उनसे बोलो मैं आ रहा हूँ। ये बोल नहीं सकती क्या? हाँ, गुंडा आ गया। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या लोगी? कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमारे घर आई हो तो कुछ तो लेना ही होगा ना। भाभी, अभी आई। भाभी, क्या हुआ? दो कॉफी लाइए ना, फिल्टर कॉफी। ओनली टू यार। बोलिए ना। एक छोटा सा कंफ्यूजन है। किच्चा का मतलब ना, रिसर्च कर रहा हूँ, पता लगते ही बता दूंगा मैं। वो बात नहीं है, कल ये एग्जाम नहीं दे पाएगी ना, इसलिए ये रो रही है। क्यों, पढ़ाई नहीं की? अरे नहीं नहीं। तो फिर? हॉल टिकट गुम हो गई है। एचओडी ने कहा है कि एग्जाम नहीं दे पाएगी ये। कौन? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अबे चुपचाप जाओ यहाँ से। देखिए पापा कैसे नाटक कर रहा है वो। कौन है वो लोग? हमारे कॉलेज में पढ़ती है। हाँ अच्छा चल रहा है। पीजिए। हेलो, कॉफी कैसी है? कॉफी, फिल्टर कॉफी कैसी है जरा ये पूछकर बताओगे? रॉन्ग नंबर। हाँ पीजिए ना। तो कल सुबह क्या होगा? नो प्रॉब्लम, कॉलेज इज माई पॉकेट। ये प्रिंसिपल, ये लेक्चरर्स, ऑल आर माई हैंड्स।
यू डोंट वरी एनीथिंग ओके हु दैट एसओटी हु ही टू डिसाइड आई डिसाइड आई एम द किंग ऑफ द कॉलेज यू सी आई डिसाइड टुमारो मॉर्निंग आई डिस्कस एचओटी प्रॉब्लम ओवर ओके 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 कुछ भी कहिए आप जज हैं फिर भी उसके जैसे इंग्लिश में बातें करते मैंने आपको कभी नहीं सुना कभी भी नहीं सही कहा ना सही बोला ए चल उठ जा यस योर ऑनर थैंक यू काम धंधा ही नहीं Welcome. है बस परेशान करते रहते हैं किच्चा वो आ रही है एग्जाम ठीक से लिखा ना थैंक्स मार्क्स अगर चाहिए तो बोलना है मैं देख लूंगा तुमसे नहीं उससे बोल रहा हूं मैं चलती हूं किच्चा वो तुझे थैंक्स क्यों बोली कुछ नहीं हॉल टिकट गायब कर दिया था मुश्किल से एग्जाम में बिठाया ऐसा क्या उसने हॉल टिकट गुमा दिया ए सुनो ए चुप और मारी से उठ लड़की अच्छी है अच्छी लड़की है क्या क्या बात है कुछ अलग ही लग रहा है तू क्या अलग है हैं ऐसा कुछ नहीं है वो कितना अच्छा गाती है पता है तुम्हें कौन है वो अरे वही जो अभी गई पंडिताइन तुझे कैसे पता मंदिर गया था वही पता चला हाँ इसने मंदिर भी जाना शुरू कर दिया क्या इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है यार अगर पंडित है तो अच्छा गाना गाएगी ना मैंने सही कहा ना हाँ हाँ मेरी दादी भी बहुत अच्छा गाती है वो छोड़ यार वो चकली का पता है ना क्या कहा अरे वो चावल से बनाते हैं यही बना कर ले आई थी कितना बढ़िया था ऐसा क्या अच्छी बात है तेरी दादी को चकली बनाना आता है ना हाँ हाँ क्या बात है किचा तेरी आंखें लाल हो रही हैं रात का सीन स्टार्ट हो गया क्या नहीं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है रातों को नींद भी नहीं आती है मुझे आजकल हे किच्चा तू अपने शरीर को देख यार दिन ब दिन पतला होता जा रहा है तू अच्छा ये बता टाइम पे तेरा खाना पीना हो रहा है या नहीं पता नहीं आजकल भूख नहीं लगती यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पड़ गया यार किच्चा पड़ गया गुड़िया को देख के उसके चक्कर में पड़ गया है ऐसा कुछ नहीं है यार हे भगवान ये क्या हो रहा है प्रभु आज के बाद हम किसे किच्चा बोलेंगे कितने प्यार से इसे बिरयानी खिला के पाला है लेकिन ये तो उस लड़की के प्यार में पड़ गया है प्रभु ए तू अपनी फालतू बातें बोलकर उसका दिमाग मत फिरा यार उसके सामने सर पर हाथ रखकर पागलों के जैसे हरकतें करना बंद कर यार उसके दिल में क्या है किसे क्या पता ऐसा कुछ नहीं है तो उसने चकली क्यों दी हाँ चल जा इसका मतलब इसे वही कहते हैं क्या यही तो बात है बाकी और कुछ नहीं है किच्चा बेटा तू फंस गया है रोड पे इतनी सारी लड़कियां आती जाती हैं लेकिन तू किसी पे ध्यान ना देके बस उसी पे ध्यान दे रहा है वैसे प्यार अंधा होता है कहते हैं ना क्या कहा कुछ नहीं भाभी क्या हो गया इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है क्या अभी क्या हुआ मेरे सॉक्स गंदे हैं ये लो किच्चा जाके बोलो आता हूँ ए ये सब तेरे ऑर्डर ना जब तेरी बीवी आएगी उस पर चलाना आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा प्लीज बहुत गुंडागर्दी हो गई है थैंक यू बाहर निकल हाँ,
सब लोग निकल गए हैं। किचा संभाल के मेरे भाई, सारी बातें कर लेना। विश यू हैप्पी मैरिज। नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ, हाँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि किच्चा तुम्हें वो शुरू हो गया है। मैंने नहीं माना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं, दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए ये सब छोड़कर थोड़ा हाँ? ए? छे छे? मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं क्या? अब तक कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे तुम ओके हैं? तुम्हें भी ओके ही है ना? और वही तुम छुपा रही हो। प्लीज मेरी बात सुनो। ओके 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 ओके, मैं लड़का हूं इसलिए मैंने तुरंत बोल दिया। तुम लड़की हो, बोलने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ओके बोलने में तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो? दोनों एक दूसरे के लिए ओके हैं तो इस पे छुपाना क्या? ओके ओके ओके। क्या सोच रही हो? मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, ये सब ठीक रहेगा कि नहीं, घर के लोग मानेंगे कि नहीं, यही सोच रही हो ना? मैं जानता हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बड़े भैया थोड़े आगे पीछे करेंगे, लेकिन मैं उन्हें आसानी से समझा लूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है शायद तुम्हारा चोटी वाला बाप है ना? अगर उसने कोई प्रॉब्लम की ना तो बोलना, उसे एक ही बार में उड़ा दूंगा मैं। ऐसा समझाऊंगा कि रास्ते पे आ जाएगा वो। अब समझ गए ना? हाँ, सही कहा ना? हाँ, ओके 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 ओके। शोभिता कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बाल धोकर नहाई हो? अच्छे से सुखा लो, नहीं तो सर्दी पकड़ लेगी। जिस दिन तुम हमारे घर आई थी मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं थी, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाई, बुरा मत मानना। हाँ वो थोड़ा गुस्सा वाला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मैं मानती हूँ उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं है। अरे कुछ लोग तो कहते हैं ना, गुणम दोषम संसर्गा जनसंगांता, वैसा ही। क्या हुआ, मेरे मुँह से संस्कृत सुन के चौंक गई क्या? तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीख रही हूँ। और तुम उसके बारे में जान के उसे अच्छे से समझ गई तो... लेकिन मैं उन्हें क्यों समझूंगी भला? क्या हुआ तुम्हें? तुम और वो तो देखिए, मैं कुछ गलत करूं तो डांटने के लिए मेरे पापा हैं। उनके पापा भले ही नहीं हैं, लेकिन उनके स्थान पर आप लोग हैं, लेकिन आप ही गलत कर रहे हैं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या हुआ भाई, किस बात पे हंसी आ रही है तुझे? हे, तेरा चेहरा देख के ही पता चल रहा है। हे किचा, ये तुझे लाने के लिए किसने कहा? आहा,
शर्म आ रही है हा? कौन है वो? उसका भाई है क्या? उनका नाम गुरु है। शोभिता की शादी उनसे ही करवाने की सोच रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है कि उसके पापा दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। शोभिता, शाम को घर जल्दी आना। किचा, मुझे लगता है तेरा मैटर लीक हो गया है, इसीलिए वो उसके साथ बॉडीगार्ड बन के रह रहा है। नारायण नारायण हरि हरि। क्या चाहिए आपको? आप चलिए पंडित जी, कुछ काम है। गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी यहीं रखिए, आप चलिए ना। चलिए चलिए आइए। चाचा एक चाय दीजिए। अरे अरे ये सब क्यों सर, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। मुझे मंदिर जाना है, पूजा के लिए देर हो रही है, छोड़ दो प्लीज। कोई बात नहीं पंडित जी, आप आइए तो सही। सर? सर कौन है आप जानते हैं? पता नहीं। सगा कौन है, रिश्तेदार कौन है, जाने बगैर आप मंदिर क्यों जाते हैं भाई? रिश्तेदार है। सर आपका नाम क्या है सर? हे, उस तरह का रिश्ता नहीं है शोभिता, शोभिता से प्यार करते हैं ये। शोभिता? जाइए जाइए पंडित जी, जाइए ना। बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है तू, कल ही उससे बात करके सारी बातें ओके कर चुका हूं मैं। हम दोनों के बीच टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। अगर दोबारा तुम्हें उसके साथ देखा ना तो मैं तुम्हारी सुनीता, ए सुनीता। क्या हुआ आपको? जल्दी बोलिए, मुझे बहुत काम है। आ यार, यहाँ आकर बैठो। क्यों? पप्पी देने के लिए? तुम बहुत बड़ी हीरोइन हो जो तुम्हें पप्पी देने को कहूंगा। वो सच में ऐसा कर रहा है क्या? क्या यार, उसने मुझसे बोला तक नहीं, कोई बात बतानी तो चाहिए थी। कौन सी बात? अरे वो ही कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है ना, लव। तुम्हें बताया क्या? तुम जाकर उस लड़की से मिली हो क्या? उससे मिलना चाहिए था ना। मैं क्यों जाकर मिलूं? हाँ हाँ, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहन के जैसी दिखती है। क्या बहन बहन, मुंह बंद कीजिए नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। अरे तुमने तो कहा था कि मैं जाकर के मिलूंगी। बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों ने परेशान करके रख दिया है, अब बस हो गया, बख्श दो। क्या हुआ अब, क्या हो गया इसे? सच में आज की दुनिया बड़ी बेकार हो गई है, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। राम राम राम। ए, आने में इतना लेट क्यों हुआ रे? हाँ? अरे ये कोई ऑफिस है क्या कि रोज मैं टाइम पर ही आऊँ, चुपचाप बैठे रहो। हाँ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। हाँ ए, तो भीख मांगने आई है फिर गाना गाने आई है? तेरा चेहरा देखकर एक भी कस्टमर अंदर नहीं आएगा, चल खड़ी हो जा, उठती है कि तू? अभी जा रही हूँ ना। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? एसिड पीकर बोल रही हूँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो उस दिन जब मैंने बोला तो तुमने सिर क्यों हिलाया? नहीं नहीं, आपने मुझे गलत समझ लिया। बिल्कुल नहीं। तो मुझे गलत समझ रही हो? सुनो, मुझ में कोई कमी है तो बता दो, हाँ सुधार लूंगा। लेकिन याद रखना, नहीं हो सकता ऐसा मत बोलना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूं? क्यों ऐसी चली जा रही हो? हाँ बोलो, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं? क्या सोच रही हो मेरे बारे में? पागल समझी हो क्या, या मैं तुम्हें पागल दिखता हूं? बोलो प्लीज छोड़िए मुझे। hey, रुको। राक्षस कहीं के।
तूने उसे अपने प्यार के बारे में तो बताया नहीं, उसके सामने बैठकर दोनों हाथों से तालियां बजा रहा था और उससे ये कह रहा था कि उसका बाप एक नंबर का बेवकूफ है। अरे मैंने तो तुझे उसी दिन कहा था कि मत कर, लेकिन तूने इसके दिमाग में ऐसा भरा था। अरे मैंने क्या किया भाई, इसी ने तो कहा था कि उसने मुझे चकली दी है, लेकिन इसने क्या किया, उसके हाथ से छीन के खा लिया। एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया नहीं चाहिए तो नहीं बोलता हूँ। चल बोल। उसके साथ एक सहेली आती है ना, पहले जाकर उससे बात करते हैं, अगर वो हमारे जाल में फंस गई तो चिड़िया भी फंसेगी, क्योंकि एक लड़की का दिल लड़की ही जानती है। एक दुंगा कमीने यही मर जाएगा, रात भर फिल्म देखता है, यहाँ के डायलॉग मारता है। ये सब के सब ऐसे ही हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और बस घुमाते रहते हैं और मजे लेते रहते हैं, लेकिन हमसे ये सब नहीं होता, उन्हें शायद यही चाहिए। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। मैं एक आइडिया दूं क्या, ये सब मार पिटाई वाला काम छोड़कर जो उसे पसंद हो वैसा कर, माथे पे तिलक लगा के मंदिर जाके वहां पर पूजा पाठ कर फिर देखना, वो तेरी हो जाएगी। उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी ओ बेबी, उर्वशी टन 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 टन। हे सॉरी। सॉरी बोला तो चल जाएगा क्या? हे hey, तो क्या करूं मैं बोल? तो क्या मतलब, तू जानता है मैं कौन हूं? तो कोई भी मुझे क्या हट। ओए जाना, क्या हमेशा पीछे पीछे आता रहता है, तुम लोग की कोई मान मर्यादा नहीं है क्या? कितनी बार बोला समझ में नहीं आता, चलो अपने घर जाओ, चलो जाओ। मुझे लगता है बिना मार खाए यहां से नहीं जाओगे, तुम लोग को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? और हाँ, तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आ गई तो बता दो, हम मिलवा देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। हे मैं तुझे नहीं बोल रहा हूं यार, इन लोग को बोल रहा हूं, पैसे दिखाओ ना तो हजारों हजारों लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। हे hey, वो लड़कियां ना किसी दूसरे से शादी करके अपने बच्चे पैदा करके खुश रहेंगी, लेकिन तू एक लड़की के लिए No.
बाकी था। चल दम मारते हैं। हे, चल जा। अब जो हुआ वो भूल जाना, चल ना। छोड़ मुझे। तूने ही कहा था ना कि दोस्तों में आपस में झगड़ा होता ही रहता है। रहने दे, मुझे मारा कोई बात नहीं, हमारे अलावा इसका कौन है? इसे मारा जो कि अपने साथ बचपन से है ये। उस लड़की के लिए तूने ऐसा किया, हमारी बचपन की दोस्ती भी भूल गया। ठीक है यार, माफ कर दे भाई। उसका दिन आज का अच्छा था। किच्चा, जब से वो लड़की आई है तब से हमारे बीच में ये सब हो रहा है। हमारी बात मानो, छोड़ दो उसे। ये प्यार व्यार हमारे लिए सही नहीं है यार। नहीं भूल सकता यार, नहीं होगा मुझसे, उसे छोड़ नहीं पाऊंगा यार मैं। यहां बस गई है वो मेरे, नहीं निकाल सकता। निकल भाई कहीं का। दिया है 500 रुपया और इसको चाहिए जवान लड़की। दोबारा अगर इधर दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तेरे को। ए तेरे तो मेरे से पैसे लेके जवान लड़की की जगह बुढ़िया बेचते हो। ए? क्या मेरे में दम नहीं है? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ समझे। देख मेरे को लड़की मिल गई, खूबसूरत लड़की मिली है। ऐसी लड़की मैंने मांगी थी तेरे से, बुढ़िया लाचर की। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। हाय राजा। जय चलो। क्या दादागिरी है रे सब? क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? यही ना। नहीं, नहीं। अंदर जाके देखो है क्या। पैसा देकर भेजा है क्या? पैसे? 40,000 देकर भेजूंगा ऐसा कहा था। तेरे चेहरे के लिए इतना चाहिए क्या? चल तेरे ससुराल वालों से दिलवाता हूँ। अरे बाप रे, वो मुझे अपने ससुराल में देना है। जा जल्दी लेकर आ। जा, जाने के लिए बोल रही हूँ। परेशानी बनती है क्या? एक दूंगा तो चेहरा पापड़ जैसा बन जाएगा। देखने में तो अच्छी घर की लड़की लगती है, शरीर बेचकर पैसा कमाने में शर्म नहीं आती तुझे? तू ऐसी जिंदगी पे। क्या है, चुपचाप हो तो तुम कुछ भी बोलते जाओगे क्या? तुम्हारे सामने हाथ फैलाया तो तुम मुझे नीच समझ रहे हो? मैंने ऐसे ही नहीं मांगा, 5% ब्याज दूंगी तुम्हें। अपना शरीर बेचकर पैसा कमा रही हो ऐसा कहा ना? तुम ये बात किसके सामने कह रहे हो जरा सोचो, वरना तुम्हारी जुबान काट के हाथ में रख दूंगी। संभल के। मैंने पैसे मांगे तो मुझे यहाँ बुलाकर बैठा दिया तुमने, और जो मुँह में आया बोलते जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर जाती हूँ। अभी जाओगी तो घर नहीं जा पाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे। वो क्यों? उधर देखो। उनके
उनके साथ जाकर सलाखों के पीछे रहना चाहती हो क्या? जा। नहीं, बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ा खिलाड़ी निकला, हमें ही बना के चला गया। हाँ, मैं तेरे पीछे बैठूं क्या? चल बैठ जा। मैंने बिना कुछ सोचे मार दिया, कहीं आपको लगे तो नहीं ना? रो मत, तेरा पति क्या करता है? सब रजिस्टर ऑफिस में है। संभाल के घर जाओ। सबका एक ही होता है, लेकिन तेरे दो हैं। एक तुझे जन्म देने वाला और दूसरा जो तुमने गलत किया है उसकी सजा देकर तुम्हें रास्ते पे लाने वाला, समझा? मैंने ऐसी कौन सी गलती की? तुम आज ही अपनी बीवी को लेकर के घर आओगे, कोई बहाना नहीं। जाओ। दीदी, दीदी, जीजा जी आए हैं। जीजा? ये कैसे हुआ? चलो घर चलते हैं। फिर पैसे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाऊंगी। अगले शनिवार को
यहाँ आकर पूजा करूंगी और माला चढ़ा दूंगी। उनकी वजह से ही सब हुआ है। किसे? हनुमान जी। तुलसी की माला चढ़ाने की जरूरत भगवान को नहीं, उसे है। किसकी बात कर रहे हैं? तुम ही उसकी जान हो, वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। वही जीजा जी दीदी को लेकर गए, उसका उनसे क्या संबंध? क्या संबंध है? 40,000 चाहिए। 40,000 रुपयों के लिए तुम्हारी बहन पागलों की तरह घूम रही थी। वो पैसों के लिए वैश्या घर में पहुंच गई थी। वहां सब लोगों के सामने उसकी बदनामी हो जाएगी ये सोचकर, किसी को भी पता ना चले, उसका मुंह छिपाकर ले आया वो। वो कौन थी पता है? वो कोई और नहीं थी, तुम्हारी दीदी थी। हाँ? अगर वो उस दिन घर नहीं आती तो आज तुम्हारी पूजा यहां पर नहीं, शमशान में होती। तुम्हारी दीदी से ही उसका पति कौन है ये जानकर उसकी धुलाई करके मामले को वहीं सुलझा दिया। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दीदी की इज्जत बचाने के लिए किया। और तो और, वो तुम्हारी दीदी है उसे पता भी नहीं है। कभी भी किसी ने भी तुमसे ये कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये सोचकर परेशान मत होना। सुनो, इस थाली में जो भी चंद छुट्टे पैसे आते हैं उन्हीं से मेरी जिंदगी चलती है। वो मुझसे तुमसे बहुत महान है, उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा आकड़ू है। हम भगवान ये सोचकर पूजा करते हैं, ये हमारा धर्म है, हम उन पर भरोसा करते हैं। अगर उस पर भी भरोसा किया कोई गलत बात नहीं है। ब्राह्मण को किसी दूसरी जाति वाले को पसंद नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। अच्छी हो यार, सच में बहुत खुश लग रही हो तुम। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से मेरी किस्मत बदल गई, सच कह रहा हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्यों लोग प्यार करके बदनाम होकर फांसी लगा के मर जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो गया है, तुम्हारे जैसी लड़की के साथ रहकर रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार भी मर जाए आदमी। तुम डरो मत, मैं मरूंगा नहीं। मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी ना। मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, ये विधवा सधवा करने से क्या होने वाला है? तुम्हारी मेरी तो कब की शादी हो चुकी है ना, एक बच्चा भी है, वो दूसरी क्लास में पढ़ता है। रोज सुबह ऑफिस निकलते समय तुम मुझे हमेशा टाटा करती हो। अगर कभी ऑफिस से आने में लेट हो गया तो गुस्से में बात नहीं करूंगी ऐसा कहती थी। एक दिन जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तब मैंने तुम्हें सारी रात अपने सीने पे सुलाया था, और मैंने कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बातें समझ नहीं आ रही, मेरी बातें समझ नहीं आ रही तुम्हें? सुनो, आ, 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 आ,
सुनो, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगा। ठीक है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, बस। मेरी बात समझो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, तुम हमेशा हंसती खेलती रहो, बस यही मेरी इच्छा है। और वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूं। देखो, इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, लेकिन वो सब पल भर के लिए करते हैं। दीवार पर भी लिख देते हैं, लेकिन वो सब मिट जाता है। लेकिन मैंने तुम्हारा नाम यहां लिख लिया है, वो कभी नहीं मिटेगा। ये सब मैंने अपने लिए किया है, ऐसा कभी मत सोचना। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और हमारे सारे फ्रेंड्स सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये सब छोड़कर तुम्हारे पापा ने जिसे देखा है, वो चोटी वाला, माना कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन तुम उससे शादी करके खुश नहीं रहोगी, मैं जानता हूं। हाँ, एक चीज हो सकती है, दोनों एक साथ बैठकर बालों को खोलकर उसमें से जू निकाल सकते हैं, बस यही हो सकता है। अब मैं कैसे बोलूं तुम्हें, मुझे गलत समझ रही हो ना, मुझ पे भरोसा नहीं है ना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं है, इतना सुनने के बाद भी अगर तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो ना, तो याद रखना मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। लेकिन तुम्हारे मर जाने के बाद मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें डराना और परेशान भी नहीं करना चाहता। तुमने मेरे लिए ही जन्म लिया है, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, और मैं इस हक को खोना नहीं चाहता। तुम्हारे खो जाने के डर से मेरा दिल तड़प उठता है, बहुत तकलीफ होती है। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। Ha 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 ha
रही हो तुम? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? मैं पसंद नहीं हूँ? पूछ रहा हूँ, बताओ ना, मैं तुम्हें पसंद हूँ? लड़कियों से धंधा करवाता हूं तो तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाता है? उठ। अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है तू?
सुशोभिता, और कितने दिनों तक तो ऐसे रहेगी? मुझे उन्हें देखने का मन कर रहा है। सुन, इस तरह की फिजूल की बातें सोचकर परेशान मत हो। पर तुम जरा मेरी हालत भी समझो ना। समझती हूँ यार, लेकिन अच्छा होगा कि तू अपने दिल को समझा ले। ये रिपोर्ट देखने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूं। आपका भाई जिंदा है, इस बात की खुशखबरी दूं या फिर आपसे क्या कहूं? इतने बड़े हादसे के बाद भी वो जिंदा है, इट्स अ मिरेकल। उसकी सिर्फ सांसें चल रही है लेकिन किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकता है। कंडीशन इज वेरी पैथेटिक। हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे ठीक होने में एक साल लग सकता है, या फिर 10 साल भी लग सकता है, या फिर शायद वो कभी ठीक ही ना हो। मेडिकली होपलेस होने वाले कई सारे पेशेंट्स को किसी आश्रम में या फिर नेचुरल थेरेपी सेंटर में भेजते हैं। हम किसी को मना नहीं करते, ये सिर्फ उनका विश्वास है। सिर्फ रोगी ही नहीं बल्कि उनको ठीक करने वाले डॉक्टर भी सिर्फ भगवान पे भरोसा करते हैं। अगर मेरी ही बात करें तो तबीयत खराब होने पर मेरी वाइफ अक्सर दवाई देने से पहले मेरे सर पे विभूति लगाती है। ये विभूति लगाना सिर्फ उसके विश्वास का हिस्सा है, और ये सबसे बड़ी बात है। मेरा सजेशन शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, शहर के बाहर एक आश्रम है, उसे वहां भेजना चाहिए। एज अ डॉक्टर मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नेचुरल थेरेपी सेंटर में जाकर 40 दिनों का ट्रीटमेंट करवा लीजिए। सिर्फ गोली दवाई और इंजेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स वहां से ठीक होकर वापस आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। बाद में हाथ मलने से अच्छा है कि एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। क्या फैसला लिया? चाहे कुछ भी करे वो अच्छा हो जाए बस। क्या अच्छा होगा? अगर आपसे नहीं होगा तो बता दीजिए, हम इलाज करवाएंगे उसका। उसने कह दिया और आप लोग चले आए वहां से। ए, किसके सामने क्या बोल रहे हो तुम? वो क्या बोलना चाहता है तुम जरा सुन तो लो। सुनकर क्या करेंगे आप? मेरा दिमाग मत खराब करें। एक और मारो। हमारे बच्चे को कैसे ठीक करना है हमें पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हर एक काम में तुम्हारी तरफदारी की, अब उस बात के लिए खुद को ही चप्पल से मार लेना चाहिए। अरे सुनो ना तुम, उसे भी अपने दोस्त की फिक्र है। तुम जाओ 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 जाओ। बस कुछ दिन की बात है ना, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन भैया उसके साथ ये सब। तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, उसे बचपन से हमने बड़े लाड प्यार से पाला है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ प्यार हमारे प्यार से बढ़कर है। तुम्हारे जैसा दोस्त है उसका, इस बात की मुझे खुशी। Thank you.
बारी आ गई है। स्वामी, मुझे कोई नहीं बता रहा कि वो कहाँ है। कम से कम तुम ही बता दो। वहाँ जवान लड़कियों को जाना मना है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। भगवन भक्त वत्सला मम हि शेषरोहमाशु विनाशया। अंगारकम हि पुत्रा भगवन भक्त वत्सला मम हि शेषरोहमाशु विनाशया। अंगारकम हि पुत्रा भगवन भक्त वत्सला। किसे ठीक करने के लिए मंत्र जाप कर रही है? विनाशया अंगारकम हि पुत्रा। खाना खाया क्या इसने? भगवन भक्त वत्सला सुबह से ये यहीं पर बैठी है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। अंगारकम हि पुत्रा कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के की याददाश्त बिल्कुल चली गई है, इसलिए जाप कर रही है। बिल्कुल अपने माँ जैसी है, किसी और को ठीक करने के लिए यहाँ बैठकर मंत्र पढ़ रही है। वो कोई पराया नहीं है। तो फिर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो साथ में कॉलेज में पढ़ने वाला है, हमारी शोभिता उससे क्या? शोभिता, गुरु जो भी कह रहा है
वो सब सच है क्या बेटी? तुम्हारी दीदी ने जो किया उसकी वजह से तो मुझे मर ही जाना चाहिए था। अगर आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे कारण ही जिंदा हूं बेटी, सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कुछ गलत किया क्या पापा? शोभिता, क्योंकि मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा पापा। वो बहुत बड़े दिल वाला है बेटा, उसने हमारे लिए जो किया उसके बदले में हमें उसका एहसान मानना चाहिए, लेकिन उसके बदले में उसके साथ दिल लगा बैठना गलत है बेटी। क्या सही क्या गलत मैं नहीं जानती, मैं तो अपना मन उन्हें दे चुकी हूँ पापा। जी, आपको ऐसे दुखी बैठा हुआ देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ तो बोलिए ना। अब बोलने के लिए क्या बचा है? जब वो ठीक था तो मैंने कभी भी उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं की, लेकिन इसकी जगह पर तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुमने उससे अच्छे से बात की। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, और कुछ दिन बस उसके वापस आते ही उसके साथ शोभिता, अभी तक सोई नहीं क्या? क्यों? उनसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, कल सुबह चलते हैं।
शास्त्री जी, ये लीजिए चाबी। उसके साथ पढ़ने वाले किसी लड़के की तबीयत ठीक नहीं है बोल रही थी, इसलिए दोनों उसे देखने के लिए गए हैं, लेकिन कब तक आएंगे उसका मुझे कुछ पता नहीं है। सुनिए जी, उस लड़की के पिताजी आए हैं। कौन सी लड़की? ओ कृपा करके आप दोनों एक साथ खड़े हो जाइए, आगे आइए ना। अरे अरे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं स्वामी जी? आपके भाई जैसे इंसान को आप लोगों ने पाला है, आप लोग बहुत महान हैं। मनुष्य नहीं है आप लोग भगवान के समान हो, भगवान के समान। आप बैठ जाइए। मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी वाली बेटी का अच्छे कुल गोत्र मुहूर्त देखकर कन्यादान किया, लेकिन वो जिस घर में गई वहां वो खुशी की जिंदगी नहीं जी पाई। उसका पति उसे दहेज के लिए बार बार परेशान करने लगा। मेरी बेटी ये सब नहीं सह पाई और वो अपने ससुराल से वापस आ गई, लेकिन आज वो हंसी खुशी सुख शांति से पति के साथ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज मैं जीवित होते इसका कारण भी आपका भाई ही है, और मैं आपके भाई को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरी दूसरी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए ताकि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। अगर आपके भाई के साथ उसकी शादी नहीं होगी तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरी बहन की बेटे के साथ उसकी शादी करवानी है और यही सबकी इच्छा है। आप तो न्याय और धर्म का पालन करने वाले हो। मैं क्या कर सकता हूं ये बताइए। उसे देखा क्या बेटी? अब क्या करें? हमने भी बहुत उम्मीद रखी थी तुम जैसी अच्छी लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए। लेकिन वो नहीं हुआ, तुमने उसे अपना दिल दिया, वो भी कुछ दिन के लिए। इसके अलावा तुमने किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अगर वो ठीक रहता तो मैं खुद तुम्हारे पिता से बात करके शादी करवाता, लेकिन अब
दूसरे को अपने दिल में बसाकर तुम परेशान मत होना। इंसान बहुत कुछ करने को सोचता है, ऐसा नहीं होगा ये पता चलने के बाद इंसान को अपना मन बदलना पड़ता है। पाल पोष कर हमने जिसे बड़ा किया उससे अब कोई उम्मीद नहीं रही। बेटी अच्छा बुरा सब तुम जानती हो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम्हारे पिता को सर झुकाना पड़े तुम ऐसा कोई काम भी मत करना प्लीज। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा घोड़ा। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे। किच्चा वापस आएगा ना यार? ए, क्यों मारा उसे? ए, वो आएगा, मैंने कहा ना वो आएगा, मारा तो नहीं है ना वो। वो आएगा यार। सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति इत्यो नमः हरि ओम। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदमुच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। हरिः ॐ। सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्। अमृतस्येषानः यदन्नेनातिरोहति। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदन्न मम। ॐ मृत्युवे स्वाहा।
क्या हो रहा है सब? क्यों हो रहा है सब? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब सर्वनाश हो गया, सब सर्वनाश हो गया। मेरा पेट जल रहा है, जाओ जाओ यहां से जाओ। Huh?